हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक बल चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो और नागराज की आतंक का दूसरा भाग। उफ, ये तो आग छोड़ता है, अब इसको कैसे रोकूं? ध्रुव सोचता ही रह गया और छीछड़ा सतह पर पहुंचकर अपने फेफड़ों को हवा से भरने लगा। ये कौन है? खतरनाक लगता है, शूट हिम। हो हा, आग फेंकने वाले पर आग छोड़ रहे हो, मैं नहीं लेता, वापिस ले लो। छीछड़े पर आग असर नहीं करती, छीछड़ा ठंड से मर सकता है, कड़क कड़कती खून जमा देने वाली ठंड से जो यहाँ पर है ही नहीं। तूने अपनी कमजोरी खुद ही बता दी है छीछड़े, अब तू नहीं बचेगा। करीम, सुपर कूल लिक्विड का इंतजाम करो और उसको लेकर जल्दी से जल्दी गांधी पुल पर पहुंचो। इस पुल पर तो क्या अब कोई घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। छीछड़ा ढाएगा कहर और बचाने की गुहार लगाएगा ये शहर, तब छीछड़ा उनको बताएगा बचने की जगह। आह, आग के गोले पानी को खौलाकर जादुई भाप में बदलना जो पूरे राजनगर में फैल रही है। मैं झुलस रहा हूँ, सतह का पानी भी खौल रहा है, पानी में और नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन राजनगर को इस उबाल देने वाली भाप से कैसे बचाऊं? अब तो इस राक्षस को ठंडा कर सकने वाली कोई भी चीज ना मंगाई जा सकती है और ना ही लाई जा सकती है। नागराज को भी कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। तुम लोग इस सर्प खोल से बाहर मत निकलना बच्चों, ये सर खोल खुद गलकर भी तुमको इन रसायनों से बचाएगा और इसके गलने पर मैं दूसरा खोल तैयार कर दूंगा। बच्चों की तरफ से अब मैं कुछ देर के लिए निश्चिंत हूँ, अब इस भवन जीव का कोई हल निकालना पड़ेगा। ये भवन जीव इस वक्त जीवित प्राणी की तरह व्यवहार कर रहा है और हर जीवित प्राणी को मेरा विष गला सकता है। देखूं कि मेरे इस सर्प विष का इस जीवित इमारत पर क्या असर होता है। नागराज के सर्पों के अंदर भी नागराज जैसा ही विष मौजूद है। नालियों द्वारा नागराज का विष पूरे भवन में फैला और पूरे भवन की इमारतें ऐसे कड़कड़ा उठी मानो भवन जीव चीखा हो। हाँ, मेरे विष का कुछ असर तो हुआ है, रसायनों की फुहार निकलनी बंद हो गई है और दीवारें भी टूटने लगी हैं, हम पर ईंटें गिर रही हैं। उफ, ये क्या कर दिया मैंने, भवन जीव का शरीर यानी ये इमारत भी गल रही है, अब इसी में हमारी कब्र बन जाएगी। उफ, अगर ये भवन जीवित ना होता तो शायद यूं गलता भी नहीं, अब क्या करूं? ओह, इस इमारत को फिर से पहले जैसा मृत किया जा सकता है, इसमें जीवन उस सींग के कारण दौड़ रहा है जिसे हंकार ने जमीन में धंसाया था, उसको बाहर निकालने से ये इमारत फिर से आम इमारतों की तरह जड़ हो जाएगी, लेकिन उसको निकालने के लिए मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? ओह, मुझे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं शहर भर में फैले अपने जासूस सर्पों को संकेत भेजता हूँ, वे उस सींग को जमीन से बाहर खींच निकालेंगे और वेदाचार भविष्य धाम की बिल्डिंग फिर से सामान्य हो जाएगी। थोड़ी टूट फूट के बावजूद भी हमारा सही सलामत है। बस बच्चों, खतरा टल गया, अब हम सुरक्षित हैं। क्या भूकंप आया था नागराज? भारती, मुझसे ज्यादा तो इन बच्चों को पता है, तुम इनसे ही पूछ लेना, मुझको उस शैतान से निपटना भी बाकी है जिसने इस मुसीबत को पैदा किया था। हंकारा गायब है और साथ में वह ड्रिलिंग मशीन भी, लेकिन जमीन पर मशीन के निशान साफ नजर आ रहे हैं, निशानों का पीछा करता हूँ। राजनगर वासियों पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी थी। उफ, ये भाप कहाँ से आ रही है, सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है, सारा शरीर झुलस रहा है, ध्रुव भी असहाय था। उफ, पानी तो और गर्म होता जा रहा है, पानी में और नीचे गया तो शायद मेरा हाल भी छीछड़े जैसा हो जाएगा। अब मैं ना तो नीचे जा सकता हूँ और ना ऊपर, ना ही यहाँ पर रुक सकता हूँ। ये क्या, ओह शायद ये छीछड़े को काबू में कर सके। छीछड़ा राजनगर पर कहर बरसा रहा था। अब तक ये मानव त्राही माम करने लगे होंगे, अब मैं नगर में जाकर उनको बताऊंगा वह स्थान जहां पर जाकर उनकी जान बच सकती है। पहले अपनी जान बचाने की सोच छीछड़े। ध्रुव, तू अभी तक उबला नहीं, कमाल है, ले मैं तुझको अभी उबाल देता हूँ, तेरी खाल तेरे शरीर से वैसे ही अलग हो जाएगी जैसे उबले अब आलू पर से उसका छिलका, गर्मी तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है, उसको ठंडा करना पड़ेगा इस सिलेंडर से भरी हाई प्रेशर लिक्विड ऑक्सीजन द्वारा जो कि अत्यधिक ठंडी होती है। आ आ, दिमाग सुन्न हो रहा है, भाप बननी भी बंद हो रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, चारों तरफ फैली गर्मी इस ठंड को जल्दी ही दूर कर देगी, उससे पहले मैं तेरे होश को तुझसे दूर कर दूंगा। ध्रुव के वार शक्तिशाली तो थे, लेकिन इतने नहीं कि एक राक्षस से बेहोश कर सके। आह, अब तू नहीं बचेगा, तुझे फाड़ डालूंगा मैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है, पानी में भंवर कैसे पैदा हो रहा है, ये मुझे नीचे खींच रहा है, मेरे नीचे भी नंबर
मेरे नीचे भी भंवर बन रहा है, यह प्राकृतिक नहीं लगता। किसका काम हो सकता है ये, किसका? कुछ ही पलों में भंवर, धरोवर, चीचड़े दोनों को निकल गए और सतह भी धीरे धीरे शांत हो गई। नागराज ड्रिलिंग मशीन के निशानों का पीछा करते करते महानगर से दूर आ गया था। ये तो मैं नेशनल फॉरेस्ट में आ गया हूँ, महानगर और राजनगर के बीच में फैला हुआ जंगल, लेकिन हंकारा ड्रिलिंग मशीन को यहाँ क्यों लाया है? ये रहा हंकारा ड्रिलिंग मशीन के साथ। ये यहाँ की जमीन से पानी क्यों निकाल रहा है? कुछ चक्कर है, इसको रोकना होगा तुरंत। नागराज, तू भवन जीव से बचकर कैसे आ गया? अभी बताता हूँ, पहले पाइप में सब सेना को फंसाकर पानी का बाहर निकलना तो रोक लूं। मशीन टूटने के बावजूद भी पानी को निकालती जा रही है। इसमें तेरा जरूर कुछ ऐसा भला होना है जो नहीं होना चाहिए। पानी का निकलना रुक गया है, सिर्फ तेरी जान का निकलना बाकी है। आह, तू विश्वंकार से मेरी जान जरूर ले सकता है नागराज, लेकिन तुझे इसका मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने अपनी कब्र अपने आप ही खोद ली है। अपने सर्पों का इस जल से स्पर्श करा के इस जल ने जादू को अपने अंदर घोला हुआ है, और अब वही जादू तेरे सर्पों के अंदर घुल गया है, और तेरे सर्पों के अंदर राक्षसी शक्तियां घुस चुकी हैं। अब निपट ले अपनी मौत से, मैं तब तक भूमिगत जल को बाहर निकालता हूँ। ओह, जादुई जल ने तो एक खूंखार प्राणी को पैदा कर दिया है। मेरे ही सर्प अब अपनी फुंकार मुझ पर छोड़ रहे हैं। जादुई फुंकार से मुझ पर बेहोशी छा रही है। इस फुंकार को अपनी जहरीली फुंकार से काटना होगा। नागराज की फुंकार का जादुई फुंकार से मिलन होते ही आ विस्फोट। मेरी फुंकार के साथ मिलते ही ये दोनों फुंकारें फट पड़ी। अगर मैंने एक पल पहले फुंकार छोड़ना रोक ना दिया होता तो मेरा सर भी उड़ जाता। इसकी फुंकार रोकने का एकमात्र रास्ता मेरी फुंकार है, और उसका प्रयोग करने से मेरी अपनी जान जा सकती है। इसकी फुंकार को रोकना होगा, लेकिन इसको रोकूं तो कैसे? एक रास्ता है। नागराज की आंखें चमक उठी, सम्मोहन हवा में तैरने लगा, और फुंकार छोड़ने वाले दोनों सर्पों को एक दूसरे की सूरत में नागराज नजर आने लगा। दोनों एक दूसरे पर ही फुंकार उगलने लगे, और उसी पल उसमें नागराज की फुंकार भी शामिल हो गई। दोनों सर्पों को अपनी फुंकार से अलग होने का मौका ही नहीं मिला, और उस धमाके ने उनके चीथड़े उड़ा दिए। आश्चर्य की बात है, मेरा या मेरे सर्पों की फुंकार में तो कोई विस्फोटक क्षमता नहीं है, फिर इनकी फुंकार विस्फोटक क्यों थी? शायद ये जादू का असर था। नहीं नागराज, वे उस वक्त मेरे शरीर का अंग थे, और मैं ध्वंसक सर्प का जादुई रूप हूँ, इसलिए उनकी फुंकार भी मेरे गुण समा गए थे। तू उनसे बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच सकता। उफ, ये मुझको उलझाए हुए और हंकारा भूमिगत जल को निकालता जा रहा है, ना जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। उधर ध्रुव का शरीर भंवर के अंदर खिसता ही जा रहा था। ओह, ये भंवर तो पानी के अंदर ही काफी दूर तक बनी हुई है, पानी खारा हो गया है, और शार्क जैसी मछलियां भी नजर आ रही है। मतलब साफ है, भंवर मुझे खींचती हुई समुद्र तक ले आई है। ओह, ये इलाका तो मेरा देखा हुआ है, मैं समझ गया कि ये भंवर किसने बनाई है। यह स्वर्ण नगरी वासियों का काम है, उन्होंने इस भंवर के द्वारा छीछड़े को खींचा और मुझे भी बुला भेजा है, लेकिन उनको मुझसे क्या काम हो सकता है? और फिर तुमको बुलाने का कारण यही है ध्रुव, हमने राजनगर पर भाप के बादल देखे थे, उनमें एक खास जादुई ऊर्जा थी। उस जादुई ऊर्जा का कारण जानने के प्रयास में हमने तुमको और इस राक्षस को देखा। हम ये जानना चाहते हैं कि ये तुमको कहाँ मिला। ये तो एक मनुष्य है जो पानी में गोता लगाते लगाते राक्षस बन गया, कैसे बना ये मुझे नहीं मालूम। ओह, यानी तुमको सही स्थान का पता नहीं है। सही स्थान? मुझे सारी बातें साफ साफ बताओ। यह देव जाति और रक्ष जाति की युगों पुरानी युद्ध गाथा का एक हिस्सा है ध्रुव, बात लगभग 3,500 साल पुरानी है, जहां पर आज राजनगर और महानगर बसे हुए हैं, वहीं कहीं पर एक विशाल शक्तिशाली और समृद्ध राज्य शिरोधरपुर हुआ करता था। उस समय देवों का प्रभाव लगभग पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। पाप के रक्षक रक्ष जाति वाले वालों यानी राक्षसों का लगभग विनाश हो चुका था। उनको अपनी संख्या और प्रभाव बढ़ाने की सख्त जरूरत थी, और राक्षसों के नायक विभत्सु ने इस काम के लिए शिरोधरपुर को ही चुना। उसने शिरोधरपुर के पास में ही गुप्त रूप से एक भूमिगत नगर का निर्माण किया। यह ऐसा मायावी नगर था जिसमें प्रवेश करने वाला हर देव या इंसान राक्षस बन जाता था। समस्या एक ही थी, शिरोधरपुर की जनता को उस भूमिगत नगर में आने के लिए मजबूर कैसे किया जाए। इसका रास्ता भी विभत्सु ने निकाल ही लिया। उसने राक्षसी शक्तियों के द्वारा शिरोधरपुर में कहर फैला दिया, और विभत्सु का खास आदमी हंकारा भेष बदल कर मुसीबत में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का लालच देकर उनको भूमिगत नगरी में ले आया। उस पाताल नगरी में पैर रखते ही
वे सभी राक्षसी शक्तियों से युक्त हो गए और यह सिलसिला चलता रहा। शिरोधरपुर के वासी राक्षस बनकर शिरोधरपुर में तबाही मचाते रहे और उनसे बचाने का झांसा देकर हंकारा शिरोधर वासियों को पाताल नगरी में लाकर राक्षस बनाता रहा। हमको जब तक इस बात का पता चला तब तक पूरा शिरोधरपुर राक्षस जाति में बदल चुका था। अब एक ही रास्ता था, पाताल नगरी पर हमला करके उसको राक्षसों सहित नष्ट कर देना। लेकिन ये काम आसान नहीं था क्योंकि नगरी भूमिगत थी, बाहर से उस पर हमला कर पाना असंभव था और अंदर जाने से हम देव भी राक्षस बन सकते थे। हमको कोई दूसरा तरीका सोचना था और वह तरीका सीधा सा था। अगर हम पाताल नगरी में नहीं जा सकते थे तो हमको उन राक्षसों को बाहर निकालना था। हम अपने हथियारों द्वारा भूकंप लाए, पाताल नगरी को आग से जलाने की कोशिश की, नगरी को धुएं से भरना चाहा, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहे, राक्षस बाहर नहीं निकले। हमने जल द्वारा पाताल नगरी को भरने की कोशिश की लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा। तब एक देव ने एक ऐसे ऊर्जा तीर का आविष्कार किया जिसकी ऊर्जा पानी में घुलकर ऐसे मिश्रण का निर्माण करती थी जो जादुई ऊर्जा को भी घोल सकता था। हमने उस तीर को धरती के गर्भ में छोड़ दिया। तीर की ऊर्जा भूमिगत जल के साथ मिश्रित हुई और तीर द्वारा बनी सुरंग से वह जल ऊपर आकर भूमिगत नगरी को भरने लगा। वह जल जादू को भी घोल रहा था, इसलिए राक्षसों की सारी जादुई शक्तियां उस पर विफल होती रहीं और पूरी पाताल नगरी जल मिश्रण से भर गई। पाताल नगरी से बाहर आने की कोशिश करते राक्षसों को दोनों देवों ने ढेर कर दिया और जो अंदर रहे वे जल में डूब मरे। विभत्सु की पाताल नगरी का आतंक समाप्त हो गया था, लेकिन 3,500 साल के बाद आज वह आतंक फिर से जाग उठा है। इस राक्षस के शरीर में वही तीर ऊर्जा मौजूद है जिसने जल मिश्रण के जरिए राक्षसी ऊर्जा को सोख लिया था। ओह, यह नदी में इतना नीचे चला गया था कि भूमि का जल के संपर्क में आ गया होगा। यह वही जल होगा जो पाताल नगरी में भरा गया था। हमको सिर्फ एक ही डर है, विभत्सु का। अगर वह भी किसी प्रकार जिंदा उठा तो इस बार वह सावधान होगा, उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा। उसको उठने से पहले ही नष्ट करना होगा। चलो मुझे नदी में वह स्थान दिखाओ ध्रुव, उसके बाद हम अपनी योजना बनाएंगे। नागराज भी अनजाने में विभत्सु को उठने से रोकने की कोशिश कर रहा था। हंकारा पानी को बाहर निकालता ही जा रहा है और मैं अपने ही ध्वंसक सर्प से जूझने के चक्कर में उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। इस शरीर में तो दो सांपों को मैं सम्मोहित करने में सफल रहा था, इसको भी अपने सम्मोहन जाल में ही फंसाता हूँ। आह आह, ये सम्मोहन तरंग है, मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा नागराज। कोई फायदा नहीं है ध्वंसक, कभी ना कभी तो तू आंख खोलेगा ही। तब तू सम्मोहित हो जाएगा। मैं अपनी आंखें ही फोड़ लूंगा नागराज, फिर तू मुझे कैसे सम्मोहित करेगा? तुझे मैं अभी भी अपनी जीभ से महसूस कर सकता हूँ नागराज, तू बच नहीं सकता। ओह, विश्वंकार तो मेरे अपने ही सर पर खास असर नहीं करेंगी, लेकिन शायद ध्वंसक सर्प अपने ही साथी को नष्ट कर सके। मुझे तो इनके शरीर से विस्फोट करने के लिए और तत्व मिल रहे हैं। उफ, वार उल्टा पड़ गया। सम्मान वार नहीं कर सकता, ध्वंसक सर्प नहीं छोड़ सकता, फुंकार असर करेगी नहीं, तो फिर कौन सा वार करूं? नागफनी सर्प इसको काट सकते हैं, लेकिन उनको भी ये अपने पास तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। जमीन के नीचे से निकल रहा भूमि का जल तेजी से चारों तरफ फैल रहा है। ध्वंसक मुझे इसी जादुई जल में गिराने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं भी इसके जैसा ही बन जाऊं। अगर जल्दी ध्वंसक सर मेरे काबू में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आतंक के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।